आकाशीय बिजली से हुआ युवक जलकर खाक। उत्तर प्रदेश के जनपद संबल तहसील गुन्नौर के गांव उदिया नगला में एक युवक जिसका नाम रामपाल पुत्र नत्थू सिंह आकाशीय बिजली से जलकर खाक हो गया। रामपाल रात को घर से अपने खेत पर आवारा पशुओं को भगाने के लिए गया था। रात को खेत पर ही सो गया। लगभग 3:30 बजे अचानक बिजली तड़की और रामपाल के ऊपर गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रामपाल के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घर में 2 बच्चे हैं तथा एक पत्नी भूरी देवी है। रामपाल अपने पिता का इकलौता पुत्र था। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद संबल के उदिया नगला गांव में एक युवक बुरी तरह आकाश की बिजली से जलकर खाक हो गया। रामपाल की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक लड़की नरेश 8 वर्ष तथा एक लड़का सुमित 5 वर्ष का है। रामपाल के घर में कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं रहा। इस मौत से पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है और चिंता की सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब दोनों बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया। अब इनका पालन पोषण कौन करेगा? इसी बात को ध्यान में रखते हुए रामपाल के चाचा ने सरकार से कुछ आर्थिक मदद की गुहार लगाई है, जिससे पत्नी व बच्चों का गुजारा हो सके। क्या नाम आपका? चरण सिंह। ये जो मृत्यु हुई है, कौन थे आपके भतीजे? क्या था पूरा मामला, कैसे मृत्यु हुई इनकी? मृत्यु खेत पर गाय रखा रहे, ऊपर से आसमानी बिजली गिर गई। उसके बाद फिर उसमें आग जल गई, मड़ैया में टांड पर सो रहे। तो जो पशु थे आवारा, उनको भगाते हुए आग लगी थी क्या? नहीं, ये तो पशु निकाल के टांड पर चढ़ के सो रहे। बच्चे कितने इनके पास? दो। पत्नी का नाम है?